सीमर को मिल गई पहली सफलता। पहली बार डायन मोहिनी और उसकी मां को लगी हथकड़ी। पहली बार उनके घर में पुलिस आई है और माँ बेटी दोनों को ही पकड़ कर ले गई है। सिमर की कोशिश रंग लाई, सिमर के घूंघटे ने जादू दिखाया, इसलिए काला जादू करने वाली मोहिनी को पहली बार मात मिली है। मोहिनी ने सिमर की बेटी की बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। घर में बड़ा ही विचित्र माहौल उसने बनाया था। सिमर की बेटी को जमीन पर सुलाकर, उसे फूलों की माला पहनाकर और हाथ में तलवार लेकर उस पर अपना ही खून लगाकर वो बच्ची की बलि चढ़ाने को तैयार थी। तुम इस लड़की की बलि चढ़ाकर काला जादू सीखना चाहती थी, तो पकड़ो ये तलवार। फिर अचानक आया ट्विस्ट, सिमर के हाथों ही बच्ची की बलि दी जाए ये तय हुआ। घूंघटे वाली सिमर को तलवार दी गई, उससे काम ना हुआ तो मोहिनी ने खुद तलवार उठा ली और वो बच्ची को मारने ही जा रही थी कि पुलिस की हो गई एंट्री और बच गई सिमर की बेटी। रुक जाओ, जहां के हो वहीं के वहीं रुक जाओ। सफल होने की शुरुआत हुई है, सिर्फ संजना को हम बचा पाए हैं, बाकी सब अब भी मोहिनी के कब्जे में ही हैं। तो ये सफलता की सिर्फ एक सीढ़ी हम चढ़े हैं, मैं कहूँगी, बाकी आगे अभी बहुत कुछ बाकी है। गिरफ्तार होने के बाद सिमर के ससुराल से जाते जाते मोहिनी धमकी देकर गई है, क्योंकि वो डरी हुई है, बौखलाई हुई है। उसकी हथकड़ी में माता रानी की चुनरी भी तो लगी हुई है। कि हम हथकड़ी की वजह से नहीं टेंशन में है, हम इस वजह से टेंशन में है क्योंकि माता रानी की जो चुनर है वो हथकड़ी से लिपटी हुई है। तो ऑटोमेटिकली माता रानी के सामने तो खड़े हो नहीं सकते, तो दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू फिट इट इन, यू नो। सिमर ने मोहिनी के खिलाफ सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ी है। अब अगर मोहिनी आएगी तो वो तो और भी ज्यादा बदले की भावना के साथ लौटेगी और सिमर के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी, लेकिन हर बार की तरह सिमर अपने ससुराल को बचा ही लेगी। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।